बरेली के नवाबगंज विधानसभा से 5 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के मंत्री माननीय भगवत शरण गंगवार ने केवलरिया में की विशाल जनसभा। सभा में विधानसभा अनिल गंगवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रधानपति रविंद्र गंगवार, सेक्टर प्रमुख राधाकृष्ण पप्पू गंगवार, प्रधान कुलदीप गंगवार, कमलेश गंगवार, बंटू गंगवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहम्मद आजम अंसारी, शिशुपाल गंगवार, लाल मोहम्मद, लाला राम गंगवार, अखलाक अंसारी, शहीद अंसारी, प्रेम कश्यप, महेश गंगवार, सुरेंद्र कश्यप, पीर मोहम्मद, सुराज अहमद आदि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता विकास गंगवार की रिपोर्ट। जिन्हें कोई तजुर्बा नहीं है, पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। अगर पैसे से तो भगवत शरण जैसे आदमी कहना चाहिए राजनीति में नहीं होता। पैसा अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। सर, किसानों के लिए सर इस बारिश का जो फसल बर्बाद हुई है सर, इसमें अगर मुआवजा नहीं मिलता तो आपकी पार्टी का अपना कदम अगला? अरे हम आंदोलन करेंगे। हमने इस अभी इससे पहले कह दिया इस बात के लिए आपसे। अब आपने हमसे जो बातें पूछी हमने सही उत्तर देने की प्रयास किया। आपके लिए धन्यवाद। ध्यान गांव की तरफ नहीं है, किसान की तरफ नहीं है, नौजवान की तरफ नहीं है। गांव और किसान, गांव के लोगों को, किसानों को, और चाहे वो किसी तरीके का व्यक्ति हो, उसे गरीब करना चाहते हैं और उनके बेटे बेटियों की शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए कि ये सरकार को आराम से चला पाएं। अगर ये 10 साल की सरकार इनकी और चल गई तो पढ़ाई लिखाई ख़त्म होगी और गरीबी चरम पर पहुँच जाएगी। जब गरीब हो और बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो वो कुछ बोलता नहीं, कोई लड़ाई नहीं लड़ता, धरना आंदोलन नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता, तो उस समय ये आराम से सरकार चला पाए। इसलिए न कोई ये संवेदनहीन है, इनके अंदर संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है। मैंने यहाँ कल कहना चाहिए, मैं DM को एक ज्ञापन दिया किसानों की समस्याओं को लेकर, गन्ने के पेमेंट भुगतान को लेकर, और जो किसानों को देवी आपदा में नुकसान हुआ इसकी क्षतिपूर्ति के लिए। मैंने ये भी कहा, जब माननीय अखिलेश यादव ओलावृष्टि पर क्षतिवृत्ति दे सकते हैं तो ये सरकार क्यों नहीं धानों पर जो बरसात भयंकर हुई अत बरसात की क्षतिवृत्ति इन्हें देने पूर्ति करनी। बहुत स्वागत है, शुक्रिया सर। आज आपका लगभग 11:21 पे कस्बा किलोड़िया के लोगों ने इतना इंतज़ार किया और ये आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा और बदला कहना तो बेकार है, और कोशिश करूंगा कि मैं अपने साथियों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए काम आ सकूं, सेवा कर सकूं। सर, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सर अगर आप नवाबगंज से विधायक बनते हैं या समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो सर आप की सबसे पहली प्राथमिकता विकास की सर क्या रहेगी और किसानों की सर आपके लिए क्या एक नीति रहेगी सर? देखिए, नीति की बात तो ये है, हम अपने नेताजी से कहेंगे, अखिलेश यादव जी से, कि सब किसानों के बारे में चिंता करें, लेकिन ये नीति बनाने का काम तो विधानसभा का है और नेता की घोषणा है। हमारे जहाँ तक हमारी बात है तो हमने तो चाहे गन्ने के आंदोलन हो, धान क्रय केंद्रों के आंदोलन हो, किसानों की और कोई समस्या खड़ी हो, पानी का आंदोलन हो, हम ही ने किए उस नवाबगंज में। किसी ने ना किसी नेता ने किए, ना किसी दल ने के नेता ने किए, हम ही ने किए सब, हमारे साथियों ने किए। सर, एक चीज़ देखने को मिली, नई चीज़ सर मुझे देखने को मिली, मैं भी राउंड पे घूमता हूँ, फील्ड में घूमता हूँ, कि जैसे जैसे चुनाव, कभी भी दबाबाजी नहीं करता और पार्टी में दूसरी पार्टी नहीं बनाता। आज तक पता है जैसे मेरे नेता लोग बैठे, मैंने किसी का आज तक, जैसे अभी पंचायत का चुनाव हुआ, जो प्रत्याशी थे उन्हें लड़ाया और जिताया, मुझसे ज्यादा जिले में किसी भी प्रत्याशी नहीं जीते। वो तो डर गए हमारे साथी लोग दोनों, प्रमुख नहीं तो प्रमुख भी नहीं होते, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी नाप भी इसी कर दी। काफी इंतजार करते रहे लोग, इंतजार साफ पते ही कह रखी थी यार, बिल्कुल तैयार, और ये रहना चाहते थे प्रमुख जी, लेकिन नवाबगंज के हमारे प्रत्याशी ने ये भी नहीं रही, वो एक बहुत दरबार गरीब बनिया, इन्हें इनकी मर्जी ये नहीं थी, ये तो तैयार थे, इन्हें फसल नहीं थी। साथियों, ये सीखा है, खूब सेवा करो लोगों की, मैं तो आप सब लोगों से भी कहूंगा,
मेरा जो उद्देश्य है, जैसे आप किसी के बेटे से मोहब्बत करो तो वो बाप जिसका बेटे से मोहब्बत करते हो वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, और आप सब पूरे पूरे लोगों से मोहब्बत करो। किसके हैं पूरे लोग? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की औलाद से मोहब्बत करो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे, और अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करेंगे उससे बाल बाल का कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। हम तो इसी सोच के तहत चलते हैं, तो हम अपनी बात कह रहे हैं 11:12 बजे, तो अगर इजाजत हो आप लोगों ने हमारी बात सुनी, हमारे लिए इंतजार किया, हमारे नेताओं के लिए इंतजार किया, आपने जो दुख उठाया उसके लिए हम सब लोग फिर दोबारा से क्षमा मांगते हैं और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं।